हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका वरेन के व्लॉग्स में। आज है दोस्तों सैटरडे और जैसा कि आपको पता है मेरे घर पे मेरी फूफू और उसके बच्चे आए हैं, तो आज कुछ करने का तो प्लान तो है ही बिकॉज कल वो लोग जा रहे हैं वापस। सो देखते हैं आज क्या प्लान बनता है आज पूरे दिन में। वैसे दोस्तों आज मम्मी ने नाश्ते में बनाया है इडली, क्योंकि इडली मेरी फूफू का फेवरेट है, तो मम्मी मेक श्योर करती कि जब भी वो घर पर आए तो उसकी फेवरेट चीज़ें बने, क्योंकि बहुत कम टाइम वो अपने मायके आती है। तो एक और बैच बन रहा है इडली का और चटनी रेडी है वहाँ पे। मैं चटनी बता दे, चटनी रेडी है, नारियल का चटनी होता है मम्मी के हाथों का, वो एक नंबर होता है, मतलब मज़ा आ जाता है उसको खा के। आमा रख दे, मेरे लिए भी नाश्ता रख दे। हमारे आराध्या तो उड़ गई है और सौरभ है वो अभी भी सो रहा है, पता नहीं क्यों घोड़े बेच के सो रहा है अभी भी। ए उठ रे सौरभ, सौरभ उठ जा। कितना सोएगा बे, तो कब जाएंगे हम लोग बाहर, नहीं जाना है क्या? हाँ बाद में कब जाएगा? हेलो आराध्या, हेलो कुकड़ू। तो जैसे कि आपसे कहा था दोस्तों, मम्मी के हाथों का जो इडली है ना, उसकी बात ही कुछ और है, बहुत सॉफ्ट होती है। आप सिर्फ आराम से इसको ऐसे तोड़ सकते हो, बहुत सॉफ्ट है दोस्तों। तो सौरभ हो चुका है रेडी, हम जाएंगे मंदिर। मज़ा आता है तो मंदिर गया तू कभी? कब गया लास्ट? बहुत पहले गया ना, तो चल जरा हनुमान जी के आशीर्वाद ले लेते हैं। बिन्नी भी अभी उठ रही है सो के, नाश्ता कर रही है और फूफू आराध्या को संभाल रही है, कुछ काम तो करती नहीं है, मायके आती है तो सो ही रहती है 10-10 बजे तक। वैसे दोस्तों फूफू और मैं ना एक ही उम्र के हैं। फूफू तो कितने साल की है? मैं 34 है और मैं 30, 4 साल का डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा है नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा छेड़ता अपनी फूफू को, पर ये बात हकीकत है दोस्तों, बहुत आलसी है ये। 10-10 बजे सुबह उठती है और यहाँ पे नहीं, ससुराल में भी 10-10 बजे उठती है। वैसे सौरभ तेरे को पता है जहाँ जिस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं ना, वो मंदिर मेरे नाना, मेरे जो नाना जी थे ना, उनके भी पहले का मंदिर है वो। लाइक जब से पैदा हुआ ना तब से जा रहा हूँ उस मंदिर में, तो सोच कितना पुराना मंदिर होगा वो। क्या करेंगे वैसे बाद में? तेरे को क्या करना, तेरे को मूवी जाना सच में? कौन सा मूवी जाएंगे? कौन सा? टाइगर। टाइगर ही जाना है? चल ठीक। सलमान खान पसंद है तुझे? तो फिर क्यों जा रहा टाइगर भूत की? हाँ सलमान खान तो है। दोस्तों हम लोग मंदिर जाके भी आ गए हैं और क्योंकि सौरभ कल जाने वाला है, तो हमने सोचा है कि हम उसको थोड़ा मूवी दिखाने लेके जाएंगे, थोड़ा सा बाहर कुछ एक्टिविटी करेंगे, मे बी कुछ स्नैक्स खाएंगे बाहर। उसके तूने पहले के देखे पार्ट्स तो समझ में आ जाएगा स्टोरी? बे यार तू, इससे तो पहले के टाइगर 1 और 2 देखा ही नहीं है, तो उसको 3 कैसे समझेगा। मम्मी भी आज अच्छे अच्छे डिशेज बना रही है और वो भी सैटरडे को ही, जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता। मम्मी आज चिकन करी बना रही है फूफू के लिए। क्यों मम्मा ऐसा क्यों किया तूने, कल क्यों नहीं बनाया तूने कुछ? फ्राइडे को नहीं आएगी वो इसके लिए। तो मेरे लिए ये दाल बन रही है। तो मैं नॉर्मल वेजिटेरियन खाना खाऊंगा और बाकी लोग चिकन खाएंगे, बट दैट्स फाइन, सैटरडे को मैं वैसे भी नहीं खाता। तो अभी हम लोग सौरभ के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैं बिन्नी, बगल में ही जूडियो है, तो सोचे कि चलो कुछ खरीद लेते हैं सौरभ के लिए। कौन से कलर्स पसंद है? येलो, ब्लू, ब्लैक। देखेंगे, चल देखते हैं कैसे। वैसे तो जूडियो में कपड़े काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं एंड क्वालिटी में भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने जो टी शर्ट्स, देखो पता ना बिनी, जो मैंने टी शर्ट्स लिए, इनफैक्ट मैं भी डेली घर पे पहनने के लिए जूडियो पे लेती हूं। हां एक अच्छा ऑप्शन है। चल देखते दिवाली गिफ्ट मिलता है कि नहीं सौरभ को। अगर सौरभ को कुछ पसंद आया तो उसके लिए वही दिवाली गिफ्ट होगा। हाँ। वैसे दोस्तों कल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल वर्ल्ड कप और बहुत एक्साइटेड है। हमने
एक्साइटमेंट में हमारे क्लब हाउस पे ही कुछ तो प्लान कर रहा है। क्या प्लान कर रहा है वो आपको कल ही बताएंगे, पर सारे फ्रेंड्स होंगे, हम लोग होंगे, पता नहीं सौरभ होगा कि नहीं। सौरभ शायद जल्दी निकल जाएगा, तो देखते हैं। तो हम लोग जूडियो पहुंच चुके हैं, ये भी अच्छा फुल स्लीव चाहिए, देखो अच्छा लगेगा। हम्म, तो फटक से पहले ट्राई कर ले, देखते हो कैसा लगता है फिटिंग करके। आ जा उधर ही ट्रायल। तो दोस्तों मस्ती मस्ती में सौरभ ने 6,000 के कपड़े ले लिए। तो दोस्तों बिल देख रहे हो, इतना लंबा बिल हुआ। इसका टोटल बिल हुआ है 5,740। तो सौरभ के बल्ले बल्ले हो गए दिवाली के। सौरभ तू खुश है भाई, तेरे लिए 6,000 की शॉपिंग हुई है। पकड़ इसको, एक साल तक कपड़े मत लेना, डाल दे बिल को अंदर। तो दोस्तों जल्दी से खाना खा लेता हूँ, बिकॉज हमारा 3:30 बजे का शो है। तो दोस्तों मूवी है 3:20 की और अभी 3:15 हो रहे हैं, हम लोग लेट हो चुके ऑलरेडी। सौरभ ने हमको बहुत लेट करा दिया, सौरभ और वीना ने। रीना अपना मेकअप करने में बिजी थी, सौरभ खाना खाने में बिजी था। खाना खाने में बिजी थी, तुम लोग खाना खाने में बिजी थे, तो इस वजह से हम लोग लेट हुए हैं। मुझे लगता है मूवी आधी छूट चुकी है। इसको देखिए, मैच के मुजरिम को ध्यान से देखिए, इस शक्ल को, नया नया कपड़ा पहन के निकल रहा है। लेट तो हो गए दोस्तों, 3:30 तो हो गए, मुझे लगता है मूवी स्टार्ट हो गई होगी। क्या लगता है तुम लोग को? मुझे तो लगता है मूवी स्टार्ट हो गई होगी, चलो देखते हैं। 3:30 हो गया है, जो जीतेगा वो पॉपकॉर्न खाएगा और हारने वाला खिलाएगा। शना के बाद सरकार ने सवालों का जिम्मा मुझे सौंपा है। फाइनली हमारा मूवी खत्म हुआ। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी बहुत एंटरटेनिंग थी, एक्शन पैक मूवी है। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आती कि क्या सलमान खान बुलेट प्रूफ है? सलमान खान हो या शाहरुख खान या कोई भी एक्टर हो, क्या वो बुलेट प्रूफ होते हैं कि उनको एक भी गोली नहीं लगती? मतलब वहीं 0 के रेंज पे कोई गोली मार रहा है, उनको गोली नहीं लग रही, रॉकेट लॉन्चर सामने, एग्जैक्ट सामने, उनको नहीं हिट हो रहा है। तो वो थोड़ा फनी पार्ट था, बाकी ओवरऑल इट वाज एन एंटरटेनिंग मूवी, मुझे अच्छा लगा। आई गेस बच्चों को पसंद आएगा। सौरभ को पूछते हैं, सौरभ तेरा रिव्यूज कैसा है, कैसा लगा तेरे को मूवी? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि ठीक ठाक था? 10 में से तू कितना रेटिंग देगा? 10 में से कितना अच्छा लगा? 8 अच्छा 8 तेरे को कैसा लगा बिन्नी? मुझे भी ठीक लगा, अगर लॉजिकली देखो दैट्स नॉट पॉसिबल, बट मूवी है तो फिर एंटरटेनमेंट पर्पस से अगर देखा जाए तो है 10/10 है। मतलब मुझे म्यूजिक अच्छा लगा, क्या था, एक्शन अच्छा था। तो अभी दोस्तों हम लोग आए हैं ग्रैंड मामा कैफे, हमने सोचा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। सौरभ बोल रहा है कि उसको जब भी वीना रेस्टोरेंट खोलेगी तो उसको फ्री में खाना है, और अपने दोस्तों को भी फ्री में खिलवाना है। दोस्तों को भी फ्री में खिलवाना है, भाई क्या ही है, हम लोग बिजनेस नहीं करे। फिर तू जब बिजनेस खोलेगा तो हम लोग तेरे रेस्टोरेंट में खाएंगे। आज खेलने वाला क्रिकेट? ठीक है, आज वॉलीबॉल नहीं खेल रहे? क्रिकेट वॉलीबॉल नहीं खेल रहे थे 2 दिन से, सब बंद हो गया। फिर आपको कैसे कैसे खेलना है वॉलीबॉल? ये क्या हो गया, ऐसे ना, तंबाकू पीस रहा है क्या?
तो दोस्तों ये कुछ नया ड्रिंक है जो मुझे यहाँ पे दिखा, राइज अप कोम्बुचा। तो बेसिकली इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इस बेवरेजेस में ये सारे बेनिफिट्स हैं, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ। मैंने इसका ब्लूबेरी फ्लेवर ट्राई कर रहा हूँ मैं। वीना ने भी, वीना का भी ड्रिंक आ गया है, तेरा भी। हाँ इसका मिल्कशेक आना बाकी है, बट चीयर्स। इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो हमारा पहला स्टार्टर आ चुका है, चिली चीज टोस्ट। सौरभ का ओरियो मिल्कशेक भी आ चुका है। उसका हाइट, ग्लास का हाइट इतना बड़ा है कि सौरभ को उठ के खड़े होकर पीना पड़ा। अच्छा है, एक्सचेंज करेगा मेरे ड्रिंक से अपने ड्रिंक को प्लीज़। तो हमारा मसाला फ्राइज भी आ चुका है। तेरे मुंह के जितना बर्गर है वो। स्ट्रगल देखिए सौरभ का। ये आ गया मेरा पेस्टो सैंडविच, ये वेजिटेरियन है। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ गए हैं। आज का दिन सुपर बिजी था, बट आई एम श्योर सौरभ को भी मजा आया होगा। एक बार पूछ लेते हैं सौरभ, सौरभ कैसा था आज का दिन? अच्छा, बहुत अच्छा था। क्या सबसे ज्यादा अच्छा था, मूवी की खाना? मूवी ज्यादा अच्छी थी, खाना अच्छा नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए सी या।